मैं डॉक्टर शादाब, आपका वागा मेड क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम समाज में फैली सबसे ज़्यादा जो बीमारी है हाइपरटेंशन, उस पर डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे लोगों को ये बीमारी पता होती है और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है। बहुत सारे हॉस्पिटल में हमारे ऐसे मरीज आते हैं जिनको फर्स्ट टाइम हमारे वहाँ ही डायग्नोज होती है, तो आज इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन क्या है? हाइपरटेंशन हमारे शरीर में एक ब्लड प्रेशर होता है, जिस ब्लड प्रेशर से ब्लड सर्कुलेट करता है। कभी कभी ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है या परसेंटली लंबे समय तक ये ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है। बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को ही हाइपरटेंशन बोलते हैं। वैसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा 130/80 होता है, लेकिन अगर ये फ्लक्चुएशन 120 से 139 और 80 से 90 के बीच हो तो इसे प्री हाइपरटेंशन कंडीशन बोलते हैं। अगर सिस्टोलिक हमारा 140 से 159 और डायस्टोलिक 90 से 99 के बीच होता है तो ये हाइपरटेंशन की पहली स्टेज होती है। इसी तरीके से अगर सिस्टोलिक बीपी हमारा 160 से ऊपर और 100 से डायस्टोलिक ऊपर होता है तो इसे हाइपरटेंशन की स्टेज सेकंड बोलते हैं। इसी तरीके से एक प्रेगनेंसी में भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि उस दौरान हार्मोन्स और एंजाइम की संख्या में वृद्धि हो जाती है या क्वांटिटी बढ़ जाती है, इसीलिए इसको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन बोलते हैं। ये कभी कभी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, प्री एक्लम्सिया जैसे कॉम्प्लिकेटेड केस बाद में बनाती है। इसके कारण बहुत सारे होते हैं, कुछ प्राइमरी हैं, कुछ सेकेंडरी। प्राइमरी वो कारण होते हैं जो कुछ फिक्स काज नहीं होते हैं, इनका कोई परमानेंट काज नहीं होता है। सेकेंडरी में वो आते हैं जिनका परमानेंट काज होता है, जैसे किसी को रिनल की डिजीज होना, गुर्दे की बीमारी होना, इंडोक्राइन डिजीज जैसे कुशिंग डिजीज होता है, ब्रेन में ट्यूमर हो, या दवाएं एनसेड्स खाता हो, या लीवर सिरोसिस हो। इस तरीके के पेशेंटों में बीपी ज़्यादा रहता है, हाइपरटेंशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसको कैसे पहचानते हैं उसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि उनके बीपी है, क्योंकि उनके अंदर सिम्टम नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों का जो बीमारी होती है कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाते हैं, उनके साथ हमारे पास आते हैं, स्ट्रोक हो जाता है या हेमरेज हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट जिनमें सिम्टम नहीं पता चलते हैं उसमें ये बीमारी साइलेंट किलर डिजीज के नाम से जानी जाती है, ठीक है, क्योंकि उसके सिम्टम नहीं पता चल पाते हैं, बीमारी पता नहीं चल पाती। अदर बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें सिम्टम्स आ जाते हैं और उन सिम्टम्स का ट्रीटमेंट करते करते हमें पता चल जाता है कि उसको हाइपरटेंशन की बीमारी है। इसमें मेनली जो सिम्टम आते हैं, हेडेक बहुत तेज होगा, विजन क्लियर नहीं होगा, ब्लर्ड होगा, डिजनेस रहती है, नौजिया फील होती है और कभी कभी वोमिटिंग भी हो जाती है। कभी कभी ऐसे पेशेंट चेस्ट पेन की कंप्लेन करते हैं, ब्रीथिंग पैटर्न चेंज होता है, लंबी लंबी सांस लेते हैं, और इनका अगर ECG कराया जाए तो अक्सर कर हार्ट रेट इनकी इररेगुलर होते हैं। कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस के रूप में भी आते हैं, जैसे नाक से खून आना, एपिस्टैक्सिस हो जाता है, कभी कभी स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज जैसे पेशेंट इसके आते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस इस तरीके से हो जाते हैं। अगर हम बात करें तो इसको प्राइमरी लेवल पे जानने के लिए हम रिपीट प्रोफाइल का टेस्ट कराते हैं, जो खाली पेट होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, और ECG भी हम करा के कंफर्मेशन देते हैं ऐसे पेशेंटों का। मैनेजमेंट की बात करें तो दो तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, एक तो अपने लाइफ स्टाइल को लेकर, दूसरी ड्रग्स के माध्यम से। ड्रग्स डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपकी दवाएं किस तरीके से चलनी चाहिए, लाइफ स्टाइल आप अपने आप उसे सही कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने वजन को कम करना होगा। डैश डाइट, ये डाइटरी अप्रोचेज होता है टू स्टॉप हाइपरटेंशन, यानी कि दवा के खाने की खुराक से आप अपने हाइपरटेंशन को ठीक कर सकते हैं, अल्कोहल कम कर सकते हैं, और फिजिकल एक्सरसाइज को बढ़ावा दे सकते हैं, और अपने स्ट्रेस को कम करना होगा। ये आप ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुद करनी होंगी, और वो चीज़ें जो डॉक्टर को करनी होती हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे डायूरेटिक हम देते हैं, इससे क्या होता है ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से बीपी कम हो जाता है, इसे एक डायूरेटिक बोलते हैं, जिसमें आपका फ्रूसिलेट लेसिक्स वगैरह आता है। बीटा ब्लॉकर, ये वर्कलोड को कम कर देता है जिसकी वजह से बीपी कम हो जाता है। अल्फा ब्लॉकर जो होता है ये पेरिफेरल वेस्कुलर डायलेटर होता है, यानी कि ये जब बीपी इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि इसमें वॉल्यूम बढ़ जाए या इस पर प्रेशर बढ़ जाए, तो हम वैसो डायलेटर जब देते हैं तो वैसो डायलेटर क्या करता है कि इनको
डायलेट कर देता है जिसकी वजह से प्रेशर कम हो जाता है। इसमें आपका आता है अल्फा ब्लॉकर प्रोजुशन, और दूसरे आते हैं एस इनहिबिटर, ये क्या कर देते हैं प्रिवेंट करते हैं कि इसमें कॉन्स्ट्रक्शन ना आने पाए जिसकी वजह से बीपी बढ़ने नहीं आता है। एस इनहिबिटर के एग्जांपल है रेमिप्रिल, और उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यहाँ पे वर्क करते हैं, इस पे जो ब्लड सप्लाई होती है उसको कम कर देते हैं जिसकी वजह से इसका जो हार्ट रेट है वो कम हो जाता है, बीपी कम हो जाता है। तो इस तरीके से कौन सी दवाई आपको देना है ये डॉक्टर डिसाइड करता है, बाकी लाइफ स्टाइल पर आप काम करके अपने आप को या अपने बीपी को कम कर सकते हैं। ऐसा करने से आप लाइफ में होने वाले कॉम्प्लिकेटेड स्टेज से बच सकते हैं। नमस्कार।